रेजर नुकीले नुकीले और कांटेदार जीभ वाला एक विशाल सरीसृप। एक काटने जो आपके मांस में सूक्ष्म जीवों के साथ जहर का रिसाव कर रहा है। खैर, यह कोई मिथक नहीं है। एक कोमोडो ड्रैगन वह है। क्या होगा अगर इन विशाल छिपकलियों में से एक ने आप पर हमला किया? जिंदा रहने के लिए आप क्या करेंगे? यदि आप खून के कुंड में मरने से पहले भागने में सफल रहे तो जहर आपको मारने में कितना समय लगेगा? अगर कोमोडो ड्रैगन ने आप पर हमला किया तो यही होगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। सूचनाएं चालू करें ताकि आपको हमारी सभी नवीनतम सामग्री पहले मिले। कोमोडो के ड्रैगन। पृथ्वी पर सबसे बड़ी छिपकलियों को कोमोडो मॉनिटर कहा जाता है। जब पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो उनके पास लगभग एक समान पत्थर का रंग होता है और उनका वजन 70 किलो 154 पौंड तक हो सकता है। अब तक खोजा गया सबसे बड़ा कोमोडो ड्रैगन 7 मीटर 22 फीट से अधिक लंबा था और इसका वजन 600 किलोग्राम 1322 पाउंड था। वे मजबूत पागल खाने वाले होते हैं जो सभी प्रकार के मांस का आनंद लेते हैं। छोटे चूहों से लेकर विशाल जल भैंस तक सब कुछ। वे अपने बड़े जबड़े और शक्तिशाली गर्दन की मांसपेशियों के कारण भारी मात्रा में भोजन का सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे एक बार के भोजन में अपने शरीर के वजन का 80% तक उपभोग कर सकते हैं। अफसोस की बात है कि वर्तमान में जंगली में रहने वाले केवल 1380 वयस्क कोमोडो ड्रैगन हैं, जो उन्हें एक लुप्तप्राय प्रजाति बनाते हैं। वे इंडोनेशिया के लेसर सुंडा द्वीपों में पाए जा सकते हैं। कोमोडो द्वीप सबसे उपयुक्त है। वे यहाँ रिज टॉप समुद्र तटों और यहाँ तक कि उष्णकटिबंधीय सवाना वुडलैंड्स पर कब्जा करते हैं। केवल आप पर हमला करने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। जब आप कोमोडो द्वीप पर पहुंचे तो आप उत्सुक और आराम की छुट्टी की उम्मीद कर रहे होंगे। हालांकि आप इस बात से बेखबर होंगे कि उष्णकटिबंधीय वुडलैंड्स में टहलते हुए कोमोडो ड्रैगन पहले से ही आपका पीछा कर रहे होंगे। उनकी शिकार रणनीति बल और चुपके पर केंद्रित है। जब वे भोजन की तलाश में होते हैं तो यह सब सूंघने के लिए उबलता है। इसके अतिरिक्त वे 4 किलोमीटर 2.5 मील दूर तक मांस के सड़ने की गंध का पता लगा सकते हैं। कोमोडो के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह अपने नथुनों से हवा में सांस ले। इसके बजाय वे एक अजीब तकनीक का उपयोग करते हैं जिसमें वे हवा का नमूना लेने के लिए एक लंबी कांटेदार जीभ का विस्तार करते हैं। उसके बाद वे इसे अपने मुंह की छत से छूते हुए वापस अंदर की ओर घुमाते हैं। यहाँ जीभ एक संवेदी प्रणाली तक पहुँचती है जो विभिन्न अणुओं का पता लगाने में सक्षम है। इन अणुओं को तब कोमोडो द्वारा उपयोग किया जा सकता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कहाँ जाना है, या यह अपने शिकार की प्रतीक्षा करते हुए घंटों तक गतिहीन रह सकता है। इस स्थिति में आप ही हैं। शुक्र है कि आप पीली जीप वाली छिपकली को हमला करने से पहले देख लेंगे। दौड़ना अभी एक शानदार विचार होगा। हालांकि आप बहुत दूर नहीं जाएंगे क्योंकि कोमोडो 20 किलोमीटर प्रति घंटा 13 मील प्रति घंटे तक चल सकता है। आपका टखना अजगर द्वारा गंभीर रूप से काटा जाएगा। हालांकि दर्द कष्टदायी होगा, आप विरोध करेंगे। इसे अपनी पकड़ में लाने के प्रयास में आप उसकी गर्दन पर मुक्का मारेंगे या शायद उसकी जीभ काट लेंगे। लेकिन किस्मत नहीं, हो सकता है कि आपको अपने नंगे हाथों का उपयोग करके उसके शक्तिशाली जबड़े को खोलने की कोशिश करनी चाहिए या इस आदमी की तरफ फ्राइंग पैन के साथ सिर पर प्रहार करना चाहिए। आप दांत और नाखून से लड़ेंगे लेकिन मैं
कोमोनो सफल होगा, हालांकि भुगतान करने के लिए एक कीमत होगी। ड्रैगन के चौड़े दांतेदार दांत आपके हाथ काट देंगे। अब तुम्हारे हाथ पैर खून से लथपथ होंगे। इससे पहले कि विशाल छिपकली आपको दोपहर के भोजन के लिए खाए, यह भागने और सहायता लेने का समय है। हालांकि आप संभावित रूप से एक कठोर भाग्य का सामना कर सकते हैं। कोमोनो ड्रैगन के सबसे हाल के भोजन के मांस के टुकड़े उसके नुकीले दांतों में जड़े हुए हैं। हानिकारक उपभेदों के बढ़ने के लिए वे टुकड़े बैक्टीरिया के लिए आदर्श वातावरण है और आपका शरीर अब उस बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाएगा। आप अपने काटने के घावों से 50 विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के संपर्क में आ सकते हैं। इनमें से कुछ बेहद सेप्टिक हैं, जिनमें गंभीर संक्रमण होने की संभावना है, लेकिन तब भी हालात नहीं सुधरे होते। अब तुम्हारे शरीर में विष भी दौड़ रहा होगा, आपका रक्तचाप गिर जाएगा और परिणाम स्वरूप आपका रक्त थक्का बनना बंद कर देगा। आपके पास आउट होने से पहले आपके पास केवल कुछ ही समय हो सकता है। यह कार्रवाई का एक भयानक तरीका होगा। खून बह रहा है या नहीं, आपको बुखार और ठंड लगना शुरू हो सकता है। आपके पूरे शरीर में दर्द होगा। आपका हृदय और संचार प्रणाली अंततः पूरी तरह से विफल होने लगेगी। आपके सभी अंगों को रक्त मिलना बंद हो जाएगा, जिससे उनकी विफलता हो सकती है। संभवत आपके पास सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। कोमोनो ड्रैगन फिर से आपकी तलाश करना शुरू कर देगा। क्या आपको याद है कि वे सड़े हुए मांस को कितनी दूर तक सूंघ सकते हैं? खैर, आसपास के सभी कोमोनो ड्रैगन आपके घावों की जांच करने आएंगे। कोमोनो ड्रैगन का एक झुंड आपके शरीर के हर आखिरी टुकड़े को खा जाएगा, भले ही उनमें से कोई भी आपको अपने आप पूरा निगल न सके। यह सही है, तुम खाओ अस्तित्व के लिए। आपकी हड्डियां और आंतें उनके द्वारा खा ली जाएंगी और वे सभी अपचित भोजन से छुटकारा पाने के लिए उन्हें थोड़ा सा घुमा भी सकते हैं। क्या शानदार लंच है! आप यह जानकर थोड़ा आराम कर सकते हैं कि यह सब कितना भयानक और भयानक होने के बावजूद यह अत्यंत दुर्लभ है। जरूर ऐसा होता है। कोमोनो द्वीप पर हालांकि 33 साल पहले 2007 में एक छोटे बच्चे पर घातक हमले से पहले एक भी घातक घटना नहीं हुई थी। शायद आपको अपने बाद आने वाले दूसरे विशाल शिकारी से अधिक डरना चाहिए, एक विशाल मगरमच्छ की तरह। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। सूचनाएं चालू करें ताकि आपको हमारी सभी नवीनतम सामग्री पहले मिले।